चाहिए? तो कहाँ चाहिए आप लोग? हमको कुछ नहीं, हमको बस नौकरी चाहिए। जो मैया सामान दे रहा है ना, उसका बेटों को रोजगार दे, बस उसका बेटों को रोजगार दे, अपना भरण पोषण कर दे। सबको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा? हाउ इज पॉसिबल? राम महतो जिंदाबाद, बिहारी महतो जिंदाबाद, ये नारा लगा रहे हैं, लेकिन इनसे पुराना पुराना नेता यहाँ मांडू विधानसभा से लड़ रहे हैं। आप लोग पलटू राम बोल रहे हैं, बताइए पलटू राम है? पलटू राम है तो तिवारी मा तो है, वो भी दलाल है, उसको कहते हैं वो पलटू राम है, उसको बोना कहते हैं, बोना। आरोप लगा रहे हैं ये कैंची। केला भी कटेगा और जेपी पटेल का जो है ना, क्या बोलते हैं, हाथ छाप, हाथ भी आधा ऐसे कटेगा, ऐसे 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 कटेगा, ऐसे कटेगा, नहीं चलेगा, चाहे पुतले साफ हो जाएगा। करके बोलेगा, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, इस बार मांडू विधानसभा कोई नहीं चलने वाला है, चाहे तिवारी माता हो चाहे जेपी पटेल हो, मांडू विधान सीधा फेंकाने वाला है। पलटू राम है, सीधा सीधी पलटू राम है, जेपी पटेल जो है ना वो पलटू राम है, उसको बोना कहते हैं, बोना। आरोप लगा रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहे, पलटू राम है, सबसे पहली बात पलटू राम है, ठीक है। मांडू विधानसभा में लगभग हमको लगता है ना, जब से हम पैदा लिए हुए हैं, उनके पिताजी से लेकर जेपी पटेल, तो उनका कहना है कि मेरा बाप जो है वो विकास किए पूरा लगातार जो है मांडू में, उसके बाद हम विकास कर रहे हैं, ये कहना है उनका। एक मिनट, ठीक है, वो बोले मेरा बाप किया विकास, ठीक है। बाप उसका कौन सा पार्टी में था पहले? बीजेपी में। बीजेपी में, बीजेपी इससे पहले अभी कैसे है? उसका बाप को बोल रहे हैं आप? वो तो जेएमएम में था, वो बाद में किस पार्टी में चला गया? बीजेपी में। उसका लड़का बीजेपी में, पलटू राम नहीं, क्या है, कांग्रेस में क्यों आया? फिर कांग्रेस में गया। चलो आप लोग पलटू राम बोल रहे हैं, बताइए पलटू राम है? पलटू राम है तो तिवारी मा तो है, वो भी दलाल है, उसको कहते हैं। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसका आपका प्रूफ है आपके पास? आपके पास प्रूफ है? हम तो नौजवान है भैया, आपके पास दलाली का प्रूफ है? उनको जो बोल, प्रूफ नहीं है लेकिन हमको पता है, हम भी पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ऐसे ना बुड़बक, हम पढ़े लिखे नौजवान है, 22 साल मेरा उम्र हो रहा है, ठीक है। जितना है अबर मांडू विधानसभा में सिर्फ बिहारी मातो, बिहारी मातो और जयराम मातो। अच्छा, ये कैंची छाप आप लोग रखे हुए ये इस विधानसभा में कौन कौन पार्टी को काटेगा ये कैंची? केला भी कटेगा और जेपी पटेल का जो है ना, क्या बोलते हैं, हाथ छाप, हाथ भी आधा ऐसे कटेगा, ऐसे 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 कटेगा, ऐसे कटेगा। और कैंची का तो धार है ना, चाहे बोले ना तिवारी मा तो हो जेपी पटेल हो, कोई ना चलने वाला है। और झारखंड अंसारी भी हैं, कोई ना चलने वाला है, उसको हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। असार में पानी मारेगा और बैंक निकल जाएगा, कोई भी बढ़िया जी एक करके आराम आराम साफ है ना, कोई भी बढ़िया काम है, उद्घाटन हो या कुछ हो, पहले कैंची चलता है, उसके बाद जो हेमंत सोरेन दाढ़ी बनाया ना, इसी से उसको कैंची। लोग बोलते हैं कि आज का नया नया आया हुआ पार्टी लड़का लोग है सब, नव तो नया नया कैंची भी तो है ना, वो जो हेमंत सोरेन दाढ़ी बढ़ाया ना, इसी से काटेंगे। गरम खून आइए, ये गरम खैन खून कैसे? नया छोड़ में गरम खून रहता है, ताव से बहुत कुछ बदल सकता है, इतना जान लीजिए। कैंची में भी धार नया है ना? धार भी नया है, वो तो किसी को बोलते हैं, क्या बोले, नसरुद्दीन ने कौन है वो जो दाढ़ी, वो तो दाढ़ी सोटने में फुर्सत नहीं, तो जनता कहिया सोटेगा जी? सो पहले बताइए, जनता कहिया सोटेगा कि आप बाबू तो पढ़ाई बो रहे? पूरा झारखंड में विकास हो रहा है, मैया सम्मान मिल रहा है, गोगो दीदी योजना मिलेगा, सुनिए उससे प्रॉब्लम है आपको, सुनिए उससे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, वो दे रहा है ना, सुनिए, जो मैया समान योजना जो सरकार दिए है ना, वही चीज अगर उस मैया को जो लड़का है बेटा है, जैसे अभी हम किसी माँ का बेटा है, अगर वही चीज हमको रोजगार देता तो हम बॉम्बे कहे जाते लीवर हिलाने जी? बताइए, ये लोग को 1000 रुपया मिल रहा है, उसे दिक्कत है आपको? दिक्कत है, अगर वही रोजगार हमको देता ना, सुनिए, 1000 में सुनिए 1000 में एक फॉर्चून का टीनुओ नहीं आता है जी,
तो बताइए वो कैसे खाएगा, खाली तेले खाएगा जी? चुनाव प्रचार का अनुभव आना है। अबरी एमएम सम्मान योजना 2500 मिलेगा, बताइएगा। हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको। तो क्या चाहिए आप लोग? हमको कुछ नहीं, हमको बस नौकरी चाहिए। जो मैया सम्मान दे रहा है ना, उसका बेटों को रोजगार दे, बस उसका बेटों को रोजगार दे, अपना भरण पोषण कर दे। सबको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा? हाउ इज पॉसिबल? नहीं मांग रहे हैं हम सरकारी, कहाँ मांग रहे हैं? अरे मेरा कोल हंजर है, जो सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें इतना धांधली हुआ, किसका कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार कौन है सीजीएल के एग्जाम का? जिम्मेवार कौन है? वो आयोग है, बता रही कि आयोग धांधली होबे नहीं किया है, सो बताती है सरकार। एग्जाम हम देखे हैं, एग्जाम हम देखे हैं। वहाँ जो है विद्यार्थी लोग जो है आभार प्रकट करने पहुँचे थे, धन्यवाद मुख्यमंत्री। सुनिए ना पहले, एग्जाम हम सीजे के आए हैं, ठीक है? फिर टूटा हुआ मुर्गी।